हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। अभी आपका सेकेंड ईयर है, आप सेकेंड ईयर का पढ़ाई बिल्कुल देर मत करना। जितना जल्दी आप ख़त्म करोगे तो उतना आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है? आज इसी बात से हम शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सब कॉन्सेप्ट दैट इज लिगांड, और इसको हम कंक्रीट कॉन्सेप्ट के हिसाब से ले रखें। ये लिगांड आप बिल्कुल अच्छी तरह समझना, क्योंकि लिगांड अगर आप समझ सकते हो तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने में इतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? अब व्हाट इज लिगांड, पहले वी शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ द लिगांड्स, ठीक है? द आयन्स और मॉलिक्यूल्स capable of donating at least a pair of electrons to the central metal atom or ion in the formation of coordination compound is known as ligand। अभी देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सी आर एन एच थ्री होल सिक्स थ्री प्लस। इसका अगर हम ये बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा? सी आर थ्री प्लस सेंट्रल आयन और दिस इज NH3 और ये NH3। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, ठीक है ना? ये जब स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो आप देखिए इधर लिगांड्स कौन से, ये सारे NH3 ऑल आर कॉल्ड लिगांड्स। सो ये जो लिगांड्स NH3 मॉलिक्यूल हो गए, दिस NH3 मॉलिक्यूल मस्ट हैव कैपेसिटी टू डोनेट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ क्रोमियम मेटल सेंटर में आयन है तो इसको ये मिनिमम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तभी इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लिगांड। आप समझ गए? सो हियर लिगांड कौन से हैं? हियर लिगांड इज NH3 मॉलिक्यूल। आप समझ गए यहाँ लिगांड कौन से NH3 मॉलिक्यूल से हैं। तो ये जो NH3 मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में से नाइट्रोजन एक एटम और तीन हाइड्रोजन एटम है, तो इनमें से कौन सा एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो जनरली देखा गया जो NH3 है इसमें कॉमनली नाइट्रोजन ही डोनेट करता है। क्यों नाइट्रोजन डोनेट करता है वन पेयर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए आप नाइट्रोजन का हम जानते हैं कितना, पाँच हो गया इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो जब सात हो गया H3 है तो एक एच इधर बना लिया बॉन्ड, दूसरा एच इधर बना लिया, तीसरा एच इधर बना लिया, अभी बचा कितना, वन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दिस वन पेयर इलेक्ट्रॉन द NH3 कैन डोनेट टू द Cr3+। आप समझ गए अभी, बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग द कैपेसिटी टू डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप समझ गए अभी मेरी बात? तो ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स हो सकता है या वो आयन हो सकते हैं,
ये बात आप ध्यान रखना, लिगेंड क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल जो आटम, ये मेटल क्या होता है, आटम हो सकता है और आयन भी हो सकता है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल हो सकता है या एक आयन हो सकता है। ये मॉलिक्यूल हो या आयन हो, दे शुड हैव टेंडेंसी और कैपेसिटी टू डोनेट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हम उसको बोलेंगे दिस इज ए लिगेंड। आप समझ गए अभी। इधर नाइट्रोजन इज नोन एज डोनर आटम ऑफ द लिगेंड आप समझ गए। एन इज द डोनर आटम ऑफ द लिगेंड, और एक्सेप्टर आटम कौन सा है, Cr3+ आयन है ना, Cr3+ इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप अभी समझ गए। तो लिगांड किसे कहते हैं, लिगांड इज द मॉलिक्यूल और आयन व्हिच सराउंड्स द सेंट्रल मेटल आटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दैट इज हैविंग द कैपेसिटी टू डोनेट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल मेटल आटम और आयन, तभी उसको हम बोलेंगे लिगांड। ठीक है, लिगांड कितने तरह के होते हैं, नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ लिगांड। ठीक है ना, अभी देखिए फ्रेंड्स, लिगांड अगर हम क्लासिफाई करते हैं, इट इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगांड, दूसरा पॉलीडेंटेड लिगांड और तीसरा चेलेटिंग लिगांड। यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगांड किसे कहते हैं, द लिगांड व्हिच ओनली हैव ओनली वन डोनर साइट और वन डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ डोनर साइट उसका एक ही होना चाहिए, मान लीजिए NH3 इसका एक ही डोनर साइट है, यहाँ नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, यहाँ SO3 2- है इसका भी एक ही साइट है, एक आटम इसका डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगांड। आप समझ गए। दूसरा कैटेगरी क्या है, पॉलीडेंटेड लिगांड। पॉलीडेंटेड लिगांड अगेन क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, नंबर वन बाइडेंटेड लिगांड, नंबर टू एम्बीडेंटेड लिगांड, नंबर थ्री ब्रिजिंग लिगांड। बाइडेंटेड लिगांड मींस क्या है, अगर यूनिडेंटेड आप समझ गए, बाइडेंटेड मींस दो होना चाहिए उसका डोनर साइट, तो ऐसे इसका डोनर साइट दो है तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक सिमेट्रिकल दूसरा अनसिमेट्रिकल। ये जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड है, कैसे उसका दो डोनर साइट होगा लेकिन दो विल बी इक्वल, NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन डायमीन, यहाँ देखिए ये भी एक डोनर साइट है, ये भी एक डोनर साइट, यानी दोनों समान है, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड। यानी हम कह सकते हैं द बाइडेंटेड लिगांड व्हिच इज हैविंग टू इक्वल डोनर साइट्स ऑफ टू सेम डोनर साइट्स, दैट इज टर्म्ड एज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड। आप समझ गए, ये एग्जाम्पल आप इसको याद रखना। अब दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड, ये क्या है, NH2 CH2 CO- siglycinate आयन। यहाँ देखिए NH2 एक डोनर साइट है और CO- एक डोनर साइट है, लेकिन ये दोनों आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ये अलग है और ये अलग है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड। आप समझ गए, यानी इसका भी दो डोनर साइट है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इसका बराबर है, इसका इक्वल नहीं। अब एम्बीडेंटेड लिगांड, इसका क्या कहते हैं, दो हो सकता है या मोर देन टू डोनर साइट्स हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या मोर देन टू डोनर साइट हो सकते हैं। देखिए हमने एक लिखा है SCN NCS, और ये दो होते हैं, दोनों डोनेट कर सकते हैं, मान लीजिए SCN थायोसियानेट, आप देखिए हम लिखते हैं इसको थायोसियानेट SCN, तो इसमें कौन डोनेट करता है, एस एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम, तो एस हो गया डोनर साइट है ना। अगर इसको हम पलट देते हैं, आइसोथायोसियानेट कर देते हैं, आइसोथायोसियानेट कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, एन कैन डोनेट टू द एम, यानी एन एटम इज द डोनर एटम और एन एटम सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सकता है, तो क्या हो गया थायोसियानेट SCN में एस बन गया डोनर एटम, और अगर आइसोथायोसियानेट बन गया NCS, तो यहाँ बन गया कौन सा नाइट्रोजन बिकेम द डोनर एटम। और उधर देखिए नाइट्रो नाइट्रीटो, अगर नाइट्रो हम लेते हैं तो नाइट्रीटो में क्या हो गया एन डोनेट करता है मेटल को, NO2 में एन डोनेट करता है, यानी एन बिकम्स डोनर एटम,
और अगर ओ एन ओ हम लिखें ओ बिकम्स डोनर एटम तो इसको बोलते हैं नाइट ट्रीट ऑफ, समझ गए। यानी इसमें दो डोनर साइट है लेकिन दोनों डोनेट कर सकते हैं, दोनों बोथ हैविंग द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन द सेंट्रल पेयर, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंट, आप समझ गए ना। ठीक है, अभी ब्रिजिंग लिगांड, ये ब्रिजिंग क्या करते हैं, इनका जो ये जो लिगांड होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकते हैं और दो सेंट्रल एटम को भी दोनों को डोनेट कर सकते हैं एक एक साथ में। ये OH- माइनस क्या करता है, ये क्या कर सकता है, इट कैन डोनेट टू मेटल सेंट्रल मेटल एटम साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगांड, इट क्रिएट्स ब्रिज बिटवीन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, समझ गए। तो अभी उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगांड, यहाँ OH- माइनस है, NH- माइनस, CH- माइनस, समझ गए। ये तीनों का आप याद रखना, तो ब्रिजिंग एबिडेंटेंट बाइडेंट, बाइडेंट दो तरह का, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, और बचा बस चेलेटिंग लिगांड। चेलेटिंग लिगांड इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीडेंटेट लिगांड और बाइडेंटेंट, इट इज ऑल्सो ए पॉलीडेंटेट और बाइडेंट लिगांड, लेकिन ये क्या करता है, इसका अगर दो डोनर साइट है, बोथ द डोनर साइट्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम साइमल्टेनियसली, या एट ए टाइम दे कैन डोनेट, बोथ द साइट्स कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। आप देखिए यहाँ इसको बोलते हैं चेलेटिंग लिगांड, CH2 CH2 NH2 NH2, यहाँ देखिए हमने भी यहाँ लिया था, लेकिन सिमेट्रिकल ये जो था बाइडेंट लिगांड, इसका बस एक ही डोनेट करे, एक ही साइड डोनेट करेगा, दो है लेकिन एक ही साइड डोनेट करेगा, लेकिन इधर यही लिगांड अगर दोनों साइड डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को तो बोल जाते हैं, हो जाते हैं चेलेटिंग लिगांड, आप समझ गए इस डिफरेंस। ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन ये क्या करता है, एक ही साइड डोनेट करता है बाकी साइड अलग रहता है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंट लिगांड। लेकिन जब दोनों साइड एक बार में डोनेट करते हैं, आप देखिए यहाँ भी डोनेट किया हुआ है, ये भी डोनेट किया हुआ है, ये भी डोनेट इधर किया हुआ है, नेक्स्ट इधर भी नेक्स्ट किया हुआ, तो उसको बोलते हैं चेलेट, दिस प्रोसेस इज चेलेटिंग, सॉरी चेलेशन, ये प्रोसेस क्या बोलते हैं चेलेशन, और चेलेशन में बन जाता है क्या चेलेट, और दिस इज चेलेटिंग लिगांड, इसको कहते हैं चेलेटिंग लिगांड, आप समझ गए। तो चेलेटिंग लिगांड अंडरगोज चेलेशन एंड कीप्स चेलेटिंग, ये क्या करता है, चेलेटिंग लिगांड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सिमेट्रिकल लिगांड बट इट बोथ द सेम डोनर एटम साइमल्टेनियसली गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम, आप अभी समझ गए। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए, ये जो सारे एग्जाम्पल्स फॉर्मूला लिखा हुआ है आप इसको याद रखिए अच्छी तरह, इसका नोट कीजिए और आप एग्जाम में आएगा तो यू कैन राइट वेरी इजीली व्हाट इज लिगांड, व्हाट इज द डेफिनेशन, और इनका सभी का डेफिनेशन भी याद हो गया आपको, सिलेक्ट कर आप बिल्कुल समझ गए व्हाट इज लिगांड और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप जरूर इसी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में और अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है ना। और मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइडेंट टीचर ईश्वर चंद्र नायक, ओके, थैंक यू।